सेक्शन 309 में जैसे मैंने बताया था, लूट दो प्रकार की हो सकती है, चोरी कब लूट है और उद्दापन कब लूट है। लूट दो प्रकार की हो सकती है 309 के फर्स्ट क्लॉज में। लूट दो चीजों से बन सकती है, चोरी के माध्यम से या उद्दापन के। चोरी कब लूट है ये 309 के सेकंड क्लॉज में बताया है, और उद्दापन कब लूट है ये 309 के थर्ड क्लॉज में। तो पहले हम ये वाला समझ लेते हैं कि चोरी उद्दापन कब लूट होगा, उद्दापन कब लूट होगा। तो 309 का थर्ड क्लॉज ये बोल रहा है, इफ द ऑफेंडर, मतलब वो अपराधी जब वह उद्दापन कर रहा था, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सट्रॉशन, वो उपस्थित था, किसकी उपस्थिति में, पीड़ित पक्षकार, इज प्रेजेंस ऑफ द पर्सन सो पुट इन फियर, मतलब जिस व्यक्ति को भय में डाला गया था उस व्यक्ति की उपस्थिति में, यदि मैं अपराधी हूं तो आपको भय में डाला है तो मैं आपकी उपस्थिति में कुछ कर रहा हूं। तो जब अपराधी उद्दापन करते समय उस व्यक्ति की उपस्थिति में उद्दापन करता है, उस व्यक्ति की उपस्थिति में ही जिसको भय में डाला है उद्दापन करता है, कैसे, बाय पुटिंग दैट पर्सन, उस व्यक्ति को भय में लाकर, उस व्यक्ति को भय में लाकर के, और भय किसका दिखाया जा रहा है उस व्यक्ति को, इंस्टेंट डेथ का, हर्ट का, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का। वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध का भय में डालकर उद्दापन करता। अब किस व्यक्ति को क्षति का भय दिखाया जा रहा है, टू डेड पर्सन और सम अदर पर्सन, उसी व्यक्ति को, यदि आपको मैं भय में डाला है तो आप ही को भय दिखा रहा हूं क्षति का, या फिर किसी अन्य व्यक्ति। तो कमिट एक्सट्रॉशन बाय पुटिंग डेड पर्सन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, टू हूम, टू डेड पर्सन और टू सम अदर पर्सन। और तत्पश्चात जब भय में डाल दिया, फिर उसे हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं, किसके लिए, कि वहीं पर, देन एंड देयर, वो चीज जिसके लिए मैं कह रहा हूं वो मुझे दे दे, वहीं पर तत्काल वो चीज मुझे परिदत्त कर दे। एक बार फिर देखिए, इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सट्रॉशन, यदि जिस व्यक्ति को भय में डाला गया है उसकी उपस्थिति में उद्दापन करता है, और उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध का भय दिखाता है, स्वयं उस व्यक्ति को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को, और उससे कहता है कि मुझे वहीं पर, उसी समय, वहीं पर, उसी समय जो चीज जो मैं कह रहा हूं वो मुझे दे दे। सिंपल भाषा में ये हो गया कि यहां पर लूट में एक व्यक्ति जब उद्दापन के माध्यम से लूट कर रहा है, तो वहां पर जो क्षति का भय दिखाया जा रहा है वो तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति और तत्काल सदोष अवरोध का दिखाया जा रहा है, और उसे कह रहे हैं कि मुझे वहीं पर वो चीज मुझे दे, देन एंड देयर मुझे वो चीज। एक्सट्रॉशन में ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर व्यक्ति उपस्थित है, मैं उपस्थित हूँ और आपको तुरंत वो चीज मांग रहा हूँ, और नहीं दिया तो मैं तत्काल ये भय कर दूंगा, तत्काल में ही कर दूंगा। तो मैं आपको तत्काल तीन चीजों को कारित करने का भय दिखा रहा हूं, और वहीं पर उसी समय वो चीज मांग रहा। ये होता है एक्सट्रॉशन, लूट बन जाता है। और चोरी कब लूट बना था, चोरी करने में या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने में, उसका प्रकरण करने में, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, और इन कमिटिंग थेफ्ट, इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। ऑफेंडर इस उद्देश्य के लिए, अपराधी उस उद्देश्य के लिए या तो वॉलंटरी कॉज करता है या फिर अटेम्प्ट टू कॉज करता है, स्वेच्छा कारित करता है या करने का प्रयत्न करता है, क्या चीज, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या फिर इनका भय दिखाता है तत्काल होने का, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो चोरी में, चोरी जब हो रही है, तीन परिस्थितियों की वाली चोरी है, मतलब चोरी होने में जब तीन परिस्थितियां हैं, तो यहां पर जो अपराधी है डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर रहा है, या उसका प्रयत्न कर रहा है, या फिर इसका भय दिखा रहा है। समझ में आया,
तो यहाँ पर डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होने की चीजें तुरंत होने की चीज। और एक्सटॉर्शन में क्या है, एक्सटॉर्शन में एक्सटॉर्शन किया, मैं उपस्थित हूं और आपसे तत्काल वो चीज मांग रहा हूं वहीं पर, नहीं तो तत्काल वो कर दूंगा, ये उद्दापन। तो इस प्रकार से लूट हमारी या तो चोरी के माध्यम से बनेगी या फिर उद्दापन के माध्यम से बनेगी। ठीक है, डेफिनेट यदि लिखने को आती है लूट की तो आप ये भी लिखेंगे और ये भी, दोनों चीज। समझ में आया?